आंवले को इतना ज्यादा उबाल रहे हो तो उसका विटामिन्स कम नहीं हो जाएगा। तो एक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, कुछ बारिश भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बूंदाबांदी हुई थी। और अभी मैं बना रही हूँ आंवले का मुरब्बा। तो रेसिपी मांगी थी मेरे व्यूवर्स ने, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एकदम डीपली नहीं लेकिन फास्ट मोड पे आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे ये मुरब्बा बनता है। तो मैंने आंवलों को पहले हल्का सा बॉईल कर लिया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और उसके बाद में इन्हें सुखा दिया। और अभी इनमें मैंने अच्छे से छेद कर लिए, जितने ज़्यादा छेद करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन सब में मैंने अच्छे से छेद कर लिए हैं, और अभी मैं चाशनी रेडी कर रही हूँ। तो ये 3 किलो आंवला है, तो मैंने इसमें 2 लीटर पानी लिया है। तो 2 किलो चीनी मैंने डाल दी है, और आधा किलो चीनी अभी इसमें हम डाल देते हैं। तो चीनी को अच्छी तरह से घोल देते हैं पहले पानी में, मतलब चाशनी तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इसमें आंवले डालेंगे। और तो ये देखिए, इसे अच्छी तरह से हमें चलाना होगा, अगर हम नहीं चलाएंगे तो जो चाशनी है वो सही नहीं बन पाएगी। ये देखिए, चीनी इस तरह से एक जगह इकट्ठी होके बैठ जाती है, तो इसे हमें चलाते रहना होगा जब तक कि चीनी अच्छे से खुल ना जाए। तो आंवलों को पहले सूए या फिर कांटे वाली जो चम्मच आती है उससे अच्छी तरह से गोंद लें, ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। वैसे आंवले का मुरब्बा बनाते समय कच्चे जो आंवले होते हैं उनमें पहले अच्छे से छेद कर लिए जाते हैं, कांटे से उन्हें गोंद लिया जाता है, उसके बाद गोंदने के बाद में उन्हें पानी में बॉईल किया जाता है। लेकिन वो काफ़ी हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप थोड़े बना रहे हैं तो फिर तो और बात है, अगर ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो दिक्कत आती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पानी को अच्छे से गर्म करती हूँ, और फिर गर्म पानी में इन्हें लगभग आधे घंटे तक हम रख देते हैं, कवर करके रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये थोड़े से नरम हो जाते हैं, और नरम होने के बाद में इनमें छेद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं अपने काम को आसान बनाने के हिसाब से ये सब कुछ करती हूँ। तो पहले मैंने हल्का सा इन्हें बॉईल कर लिया, पानी एकदम अच्छे से खूब गर्म हो जाता है, उसके बाद में आंवले डालें और उसे आधे घंटे तक कवर करके छोड़ दें। उसके बाद में उसका पानी निकाल कर इन्हें धूप में सुखा लेना है, और फिर इनमें हमें छेद कर लेने हैं। अभी हम चाशनी रेडी कर रहे हैं, तो 2 लीटर मैंने पानी लिया था, 2 लीटर से थोड़ा सा कम ही है, तो इतना मैंने पानी लिया है। 3 किलो आंवला के लिए ये मेरा जो है मेजरमेंट है, तो मैंने 3 किलो आंवला लिए हैं, और उसमें 2 लीटर पानी है, और 2.5 किलो मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो इक्वल भी ले सकते हैं, मतलब जितने आंवले हैं उतनी ही चीनी ले सकते हैं। फिर पानी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, 2.5 लीटर करना होगा। तो मैं 2.5 किलो इसमें चीनी डाल रही हूँ, एकदम सही रहेगा ये मेजरमेंट। तो जब आंवले का मुरब्बा रेडी हो जाता है उसके बाद में आपको दिखाती हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा ये प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने बता दिया इसे आपको फास्टली। आंवले का मुरब्बा राइट 11 बजे मैंने चढ़ा दिया था, और अभी हो गए हैं 1:20। नेट 2.5 घंटे तक मुझे इसे पकाना था, क्योंकि मैं इंस्टेंट वाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये देखिए, साइड में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इसने अपना जो जूस था उसे रिलीज कर दिया है। और अभी इसे 10 मिनट मुझे और पकाना है, 10 मिनट बाद में नेट 2.5 घंटे हो जाएगी, उसके बाद में मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। और चाशनी का कलर देखिए एकदम सहज जैसा हो गया है, एकदम जब सहज जैसा कलर आ जाए तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मुरब्बा एकदम रेडी है। तो आंवले का मुरब्बा रेडी है, 10 मिनट में इसे और पका रही हूँ। तो आप लोगों को बता दिया है इसे बनाने में कितना टाइम लगता है, आपके सामने मैंने इसमें चीनी पानी जो भी डाला था एकदम सही से, और नेट 2.5 घंटे तक मैंने इसे पकाया है, और एकदम परफेक्ट ये बन के तैयार हो जाता है 2.5 घंटों में। तो ये देखिए टाइम 1:25 हो गए हैं, 5 मिनट बाद में मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। और बच्ची पूछ रही है कि आंवले को इतना ज़्यादा उबाल रहे हो तो उसका विटामिन कम नहीं हो जाएगा? तो एक आंवला ही ऐसी चीज़ है जिसे कितना भी उबाल लो उसके बाद भी उसके विटामिन जो होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये उसका।